हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपकी ऊर्जा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। विक्रम नाम का एक लड़का था, उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरी नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रेस पूरी ज़रूर करेगा। अब रेस शुरू हुई, विक्रम ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब विक्रम थक गया था, वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया, वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। वह बहुत ज़्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरी ही नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि वह हार कर भी जीत गया था। दोस्तों, हम भी तो इस तरह की गलती करते हैं हमारी लाइफ में। कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज 10 घंटे की पढ़ाई करते हो, और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, मगर आपको भले ही 5 घंटे मिले, पढ़ना ज़रूर चाहिए। विक्रम की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते हैं तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जब हम कोई काम लगातार करते हैं तभी हमको सफलता मिलती है। अगर हम कोई भी काम शुरू करें और बीच में छोड़ दें तो उसमें सफलता मिल ही नहीं सकती।